नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा, वहाँ ना चलेगा वहाँ ना चलेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, शोहरत तुम्हारी रह जाएगी ये दौलत यहीं पर रह जाएगी ये शोहरत तुम्हारी रह जाएगी ये दौलत यहीं पर रह जाएगी ये, नहीं साथ जाता नहीं साथ जाता खजाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, पहले तो तुम अपने आप को संभालो हक नहीं तुमको बुराई औरों में निकालो, पहले तो तुम अपने आप को संभालो हक नहीं तुमको बुराई औरों में निकालो, बुरा है बुरा जग में बुरा है बुरा जग में बताना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा
ये तो जहां में लगा ही रहेगा। दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। आना किसी का जग में, आना किसी का जग में, जाना किसी का नहीं चाहिए। दिल दुखाना किसी का सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा। जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। बोलिए सतगुरु देव की जय। नहीं कहाँ से अस्पताल भी भेजने वाला वन है। बोलिए सतगुरु देव की जय। अभी भजन सुन रहे थे, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जवाना किसी का। आज सत्संग प्रोग्राम का अंतिम दिन और अंतिम सत्र कहना चाहिए। आपके प्रांगण में यह प्रोग्राम, मेरी आवाज जहां तक सुनाई दे रही हो और घर में बैठे आए हुए मेहमानों से, घर के सदस्यों से, और विशेष तो अभी भोजन भी नहीं बनना है, आज तो उपवास है शायद सब, तीजा का त्योहार है, तो आज अच्छा अवसर है आप सबके लिए। आप सब यहाँ आए और असली तीज त्योहार का महत्व समझे, उपवास क्या होता है उसका महत्व समझे, और जीवन में परिवर्तन लाए। आइए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और भजन सुनते हैं श्री शिवेंद्र साहेब जी से। सौभाग्य है कि आपके बीच में बड़े दूर दूर से संतजन आए हैं, गुजरात से पूज्यवर साहेब जी, महाराष्ट्र से श्री शिवेंद्र साहेब जी हमारे बीच विराजमान हैं, और भजन सुने। बोलिए सद्गुरु देव की जय। आप लोग के बीच फिर से एक भजन प्रस्तुत है, खींचा तानी करके मूर्ख काहे समय गवाए रे, काहे समय गवाए, खींचा तानी करके मूर्ख काहे समय गवाए रे, काहे समय गवाए, न पी तुली जीवन की चादर घटे न बढ़ने पाए, घटे न बढ़ने पाए,
खींचा तानी करके मूरख काहे समय गवाए रे, काहे समय गवाए। कोई शिकारी पकड़ न पाए, कोई हवा न छू पाए, कोई दवा न रोक सके और कोई दुआ न छू पाए। कोई शिकारी पकड़ न पाए, कोई हवा न छू पाए, कोई दवा न रोक सके और कोई दुआ न छू पाए। आशक पंछी तन का पिंजड़ा छोड़ के जब उड़ जाए, छोड़ के जब उड़ जाए। खींचा तानी करके मूरख काहे समय गवाए रे, काहे समय गवाए। न पी तुली जीवन की चादर घटे न बढ़ने पाए, घटे न बढ़ने पाए। खींचा तानी करके मूरख काहे समय गवाए रे, काहे समय गवाए। जो जैसा होगा इस जग में वैसा ही फल पाएगा, कांटा बोने वाला जग में फूल कहाँ से पाएगा। जो जैसा होगा इस जग में वैसा ही फल पाएगा, कांटा बोने वाला जग में फूल कहाँ से पाएगा। दूजे को दुख देने वाला चैन कहाँ से पाए, चैन कहाँ से पाए। खींचा तानी करके मूरख काहे समय गवाए रे, काहे समय गवाए। न पी तुली जीवन की चादर घटे न बढ़ने पाए, घटे न बढ़ने पाए। खींचा तानी करके मूरख काहे समय गवाए रे, काहे समय गवाए। झूठी आशाओं से मन दर्पण क्यों टकराता है, माटी के इस तन पे मूरख काहे तू इतराता है। झूठी आशाओं से मन दर्पण क्यों टकराता है, माटी के इस तन पे मूरख काहे तू इतराता है। जान कब माटी की काया माटी में मिल जाए, माटी में मिल जाए। खींचा तानी करके मूरख काहे समय गवाए रे, काहे समय गवाए। न पी तुली जीवन की चादर घटे न बढ़ने पाए, घटे न बढ़ने पाए। खींचा तानी करके मूरख काहे समय गवाए रे, काहे समय गवाए। भले बुरे सारे कर्मों को मन तेरा स्वीकार करे, मन के अंदर कोई न झांके मन सब पे उपकार करे। भले बुरे सारे कर्मों को मन तेरा स्वीकार करे, मन के अंदर कोई न झांके मन सब पे उपकार करे। कहे कबीर सुनो भय साधो मन दर्पण कहलाए, मन दर्पण कहलाए। खींचा तानी करके मूरख काहे समय गवाए रे, काहे समय गवाए।
नबी तुली जीवन की चादर घटे न बढ़ने पाए, घटे न बढ़ने पाए। खींचा तानी करके मूरख काहे समय गवाए रे, काहे समय गवाए। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय।